हनुमान खिड़की के पास स्थित माँ तुर्जा भवानी परिसर से बहने वाली झरपट नदी के पास एक व्यक्ति जो मछली पकड़ने वाले जाल से पक्षियों को पकड़ रहा था, उसे इकोप्रो के सदस्य ने जाकर रोका तथा उन पक्षियों को जीवनदान दिया। आज सुबह स्थानीय हनुमान खिड़की के पास स्थित तुलजा भवानी मंदिर परिसर से बहने वाली झरपट नदी के किनारे पर एक व्यक्ति मछली पकड़ने वाले जाल से पक्षियों को पकड़ रहा है। ऐसी जानकारी इकोप्रो के सदस्य को मिलते ही तुरंत ही वे घटनास्थल पर पहुंचे। ये सभी पक्षी पानी पर स्थित कीड़े खाने के लिए उतरे थे। उसी दौरान यह व्यक्ति उन पक्षियों को जाल में पकड़ रहा था। इकोप्रो के सदस्यों ने उसे रोका और इस दौरान 4-5 पक्षियों को जीवनदान दिया। बाकी 14 पक्षी मृत अवस्था में थे एवं 2 जख्मी अवस्था में थे। इकोप्रो के सदस्य के वहां पर पहुंचने से अनेक पक्षियों का जीवन बचा तथा भविष्य में इस जगह पर ऐसा शिकार नहीं किया जाएगा, इस संबंध में जन जागृति भी की गई। इस दौरान इकोप्रो के सदस्य अमोल उटलवार, सुमित कोल्ले, सचिन धोत्रे, अभय अमृतकर, आशीष मस्के घटनास्थल पर पहुंचे थे तथा इसकी संपूर्ण जानकारी इकोप्रो के बंडू धोत्रे को भी दी गई। उसके बाद मृत व जख्मी पक्षियों को वन विभाग के उपचार केंद्र में ले जाया गया, जिसकी जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष थीपे, वनपाल भूषण गजपुरे को दी गई। इन छोटे छोटे पक्षियों जैसे दिखने वाले रेड रैपर्ड सैलो, इन पक्षियों का स्थानीय शिकारी शिकार कर बाजार में बेचते हैं। इन पक्षियों के पंखों को बाजार में बेचने के लिए इनका शिकार किया जाता है। सीटीवी न्यूज की खास प्रस्तुति। झरपट नदी पात्रा मध्ये तुळजाभवानी मंदिराच्या समोर एक इसम पक्षी मच्छी माराच्या जाळ्याने पक्षी पकडत असल्याची माहिती मिळाली होती। माहिती मिळताच इकोप्रो पक्षी संरक्षण विभाग आणि वन्यजीव विभाग या स्थळी दाखल होऊन आम्ही सदर ते पक्षी मारणे जे मारत होतं ते आम्ही थांबवलं। जवळजवळ त्यांनी 20 ते 25 पक्षी मारले गेले होते, त्याच्यामध्ये 5 ते 6 जिवंत होते, त्याला आम्ही तिथेच रिलीज केलं। जख्मी पक्षी आणि मृत पक्षी जे होते आम्ही ते वन विभागाच्या ताब्यात रेस्क्यू सेंटरमध्ये दिले आणि सदर त्या परिसरामध्ये अशा परत घटना घडवणं यासाठी आम्ही जनजागृती करण्यात आली।